पीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। इसी हुई थी वो, उसका मेन उद्देश्य था कि जो अभी बाहर से बहुत सारे प्रवासी हमारे राजस्थान में आ गए हैं, तो उनको क्वारंटाइन कैसे रखना है, क्वारंटाइन का व्यवस्था क्या करनी है, और फील्ड लेवल के जो ऑफिसर है वहाँ तक है ना बात की है। आज तहसीलदार, SDM, DYSP उनके लेवल तक पूरी जानकारी की है कि वो उनके लेवल पे नीचे तहसील लेवल पे या उपखंड लेवल पे वो क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी संतुष्टि भी जाहिर की है। अभी तक करीब 20 लाख लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, 20 में से 14 लाख तो आने का है और 6 जाने का है। 14 में से 4.25 लाख लोग करीब अभी राजस्थान में आ गए हैं। उनमें जो मुख्य जो ज़िले हैं जो प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ जालौर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उन कलेक्टर से भी डिटेल में काफ़ी बात की गई थी, और उन पे बहुत सारे लोग उनके यहाँ आए, लाखों में आ रहे हैं। हमारे डिवीज़न में अगर देखा जाए तो नागौर एक ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने पहले 26 अप्रैल को भी ऑर्डर निकाले थे और उसके बाद में भी निकाले हैं कि क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रहेगी। अभी जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसमें एक प्रेजेंटेशन भी दिया था कि पूरी स्वच्छता की व्यवस्था रखना, वहाँ पे उनको सेपरेट रखना, उनको खाने पीने की वहाँ व्यवस्था रखना, उनका अगर कोई डॉक्टर की ज़रूरत है उसको समझाने की ज़रूरत है साइकोलॉजिकली, मान लो डिप्रेशन में, वो व्यवस्था करना, साफ़ सफाई रखना, वो मतलब टॉयलेट्स हैं वो जैसे जेंट्स और लेडीज़ के हैं तो अलग अलग होने चाहिए, उसका क्वारंटाइन जो होम है इंस्टीट्यूशनल उसका एक गेट रखें जिससे कि कंट्रोल रखने में आसानी हो, बहुत सारे डिटेल में बात हुई है। और इसके अलावा जो कई कलेक्टर्स थे उन्होंने जो अपना मॉडल को ही बनाया, उनसे बात हुई, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, उनसे भी बात हुई। इसके पहले जैसा मैंने कहा कि क्वारंटाइन के कुछ ऑर्डर आए थे तो विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे और उपखंड लेवल पे पहले कमेटियां बनाई गई थी, उन कमेटियों को और थोड़ा बढ़ावा दिया है और उसमें सभी जिला कलेक्टर्स को ये अधिकृत किया है कि वो उसमें NGO को या किसी और को लेना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं, जैसे वो गाँव में सबसे बात करें और गाँव में जो व्यवस्था है सरपंच और मेंबर जो हैं वार्ड पंच हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लें, विधायक महोदय हैं उन सबसे सहयोग लें कि कोई बाहर का आ रहा है तो कम से कम उसका पता लगे, उसके चेक करें, और चेक करने के बाद अगर उसमें कोई ऐसा सिम्टम है ज़्यादा तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करें, नहीं 14 दिन के लिए घर पर क्वारंटाइन करें। इसके अलावा जो इतने सारे लोग आ रहे हैं कुछ दिनों में क्या पॉजिटिव बढ़े हैं तो आगे की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, टेस्टिंग की भी कुछ ज़िलों में और ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे कि ये हो कि कुछ पॉजिटिव आते हैं तो वो नज़दीक उनका टेस्ट किया जा सके। इसके अलावा एक आपने देखा होगा दृश्य होता है कि बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं और वो किसी में लटक के जा रहे हैं और घूम रहे हैं, तो उसमें अब ये व्यवस्था रखनी है कि कोई भी अगर दिखाई देगा पैदल तो संबंधित थाना अधिकारी वो अपने कंट्रोल रूम को सूचना देगा कि ये यहाँ रह रहे हैं, तो वो संबंधित क्वारंटाइन जो प्रभारी है वो उनको बसों की व्यवस्था करके और उनको जो उनका गंतव्य वहाँ तक वो छोड़ेंगे, जिससे कोई भी इस तरह घूमता भी नज़र नहीं आए, और उनको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। ट्रेन जो आ रही हैं, बसें आ रही हैं, उसमें भी लोगों को ट्रेन से उतरते ही नाश्ते की व्यवस्था हो सकती है, कुछ ज़्यादा दूर जा रहे हैं उनको बस में बिठा के भेज रहे हैं, और टाइमिंग के हिसाब से मान लो खाने का टाइम पे उस टाइम पे ट्रेन आई है तो उनको फूड पैकेट्स की व्यवस्था कर सकते हैं, या उनके जो बस में जा रहे हैं तो उनको बस में भी फूड पैकेट्स रख सकते हैं। वो केवल एक उद्देश्य है कि क्वारंटाइन अच्छी तरह से हो और अब आगे किसी सूरत में नहीं फैले, क्योंकि सब लोग गाँवों में आ रहे हैं, माइग्रेटरी जो पर्सन है वो सब गाँवों में आ रहे हैं, शहरों में बहुत कम आ रहे हैं, और गाँव में फैलना नहीं चाहिए किसी बालक में, उन पर अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए, ये सब बातें।